वालेकुम पाकिस्तानी भाइयों मेरा नाम है अहमद जमील और जैसे यूट्यूब बैन की ख़बर हर किसी को मिल रही है तो मुझ तक भी पहुंची अब यूट्यूब बैन हुआ है तो बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की वीडियोस बनाई हुई हैं कि भाई हमारा इतना नुकसान हो सकता है कंटेंट क्रिएटर कह रहे हैं कि हम कॉन्टेंट बना के क्या करेंगे बट कभी ये सोचो कि एक व्यूअर के हिसाब से ये किस तरह का है फ़ैसला अगर ये बैन हो जाता है यूट्यूब इन केस अब जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ मेरा एक बहुत छोटा सा चैनल है जो मैं बस चला रहा हूँ घूम फिर के उस पर कोई वीडियोज़ डाल देता हूँ अपने शुगल मस्ती के लिए लेकिन कोई बहुत बड़ा नहीं लेकिन मैं खुद बाहर रहता हूँ पाकिस्तान में नहीं रहता तो मैं एज अ व्यूअर किस तरह से फील करता हूँ अगर पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हो जाता है अच्छा हमारे लिए यूट्यूब क्या है अब जो बाहर रह रहे हैं पाकिस्तानी हम लोगों के लिए है कि भाई जो पाकिस्तानी ड्रामे आ रहे हैं हम वो देख लेंगे या तो हमें न्यूज़ चैनल के जो चैनल है न्यूज़ चैनल हैं उनके जो यूट्यूब के ऊपर चैनल हैं हम उसको देख लेंगे और जैसे मज़बी वीडियोस आती हैं हमारे जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का चैनल है इसके अलावा मुफ्ती तारिक मसूद साहब का चैनल है मौलाना तारिक जमील साहब का चैनल है तो इसके ऊपर से हमें काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन अगर बैन हो जाता है यूट्यूब तो एक व्यूअर के लिए ये सब तो बंद हो जाएगा और मैं बात अभी पाकिस्तानी व्यूअर्स की नहीं कर रहा मैं उन पाकिस्तानी व्यूअर्स की बात कर रहा करूँ जो बाहर रहते हैं तो वो तो समाव कट जाएंगे लेकिन चलो आप कहते हो कि हाँ भाई फेसबुक भी तो है इंस्टाग्राम है और उनकी सब्सक्रिप्शन है बहुत सारी चीज़ें लेकिन यार आपने फेसबुक का सर्च इंजन देखा है आप उस पर सर्च कर सकते हो वीडियो नहीं कर सकते यूट्यूब पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो अच्छा भाई मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आज कल झलहज का महीना है मैं कुर्बानी के मामलों में कोई चीज़ें सर्च करना चाह रहा हूँ मैं सिंपली टाइप करता हूँ यूट्यूब के ऊपर मेरे पास वीडियो आ जाती है फेसबुक पे ऐसा नहीं कर सकता फेसबुक पे मुझे सोचना पड़ेगा लोगों से पूछना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें सिमिलरली फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि यार मैं कोई न्यूज़ देखना चाह रहा हूं और मैं कोई पुरानी न्यूज़ देखना चाह रहा हूं मैं उसकी कहाँ सर्च करूंगा गूगल करता हूं चलो गूगल के ऊपर आया उसने एक मुझे चैनल का लिंक दे दिया बट यार यूट्यूब के ऊपर आसानी नहीं हो जाती एक व्यूअर के हिसाब से भी तो सोचो ना यार कि कैसे होता है सिर्फ ये नहीं सोचो कि कंटेंट क्रिएटर के लिए क्या नुकसान हो रहा है हम सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं है पाकिस्तानी यूट्यूबर्स पाकिस्तानी यूट्यूबर्स वो भी लोग हैं जो इसको देख रहे हैं उनके लिए भी तो सोचो अगर हर चीज़ का सोल्यूशन बैन करना ही है तो भैया अगर बुराई नज़र आए तो अपनी आँखें फोड़ लो ऐसे तो नहीं होता ना हम लोग हमेशा बुराई जब होती है हम उससे नज़र फेर लेते हैं राधा दिन के अपनी आँखें फोड़ें जैसे कि आप अगर सोचो कि भाई Uh, मैं कहूँ YouTube के ऊपर बहुत सारा ऐसा है जो एंटी मुस्लिम भी है और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है बट मैं नहीं देख रहा ये मेरी मर्जी है ऐसे नहीं कि मैं डेलिब्रेटली वही चीज़ सर्च करूँ कि आई वॉन्ट टू सर्च समथिंग एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तानी एंटी इस्लाम अगर मैं ऐसी चीज़ें सर्च करूँगा तो मैं गलत हूँ YouTube के ऊपर नहीं चीज़ें जो होती है ना वो अभी मैं किसी के देख रहा था आई थिंक डी का काशान था वो भी यही कह रहा था यार चीज़ें अच्छी बुरी नहीं होती हैं चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं अच्छा बुरा आपकी सोच और आपका इस्तेमाल बनाती है यार तो समझो इस बात को बैन करना किसी भी हाल में किसी भी चीज़ को ऐसे सही नहीं होता अलस की वो वो सिर्फ बुराई हो अगर आप कहते हो कि यार हम पिक खाना मना है वो बैन है गमलील हराम है तो यार वो वो एक अलग सिनेरियो है उसके बेसिस पे आप ये नहीं कि आप हर चीज़ को बैन लगाना शुरू कर दो किसी भी चीज़ को समझो कि उसका इस्तेमाल क्या हो सकता है टीवी है उसके ऊपर अच्छी बुरी सब चीज़ें हैं उस हिसाब से हम भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन यार ये तुम्हें जवाब देना है कि तुमने उसको किस तरह से इस्तेमाल किया तो सोचो यार ये बैन करना सलूशन नहीं है मैं भी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे इससे गर्ज़ नहीं कि यार मेरे व्यूअर्स कौन हैं मेरी वीडियो कहाँ देखी जाती है बट मैं ख़ुद पाकिस्तानी कंटेंट बहुत देखता हूँ और ये नहीं कि मैं सिर्फ वो फ़नी कंटेंट देख रहा हूँ डी वाई देख रहा हूँ या अपना ये ओसम awesome स्पीक्स देख रहा हूँ नहीं यार मैं वहाँ से बहुत बहुत सारी चीज़ें देखता हूँ जो मुझे पाकिस्तान में देखने की होती हैं लाइक like, मैं न्यूज़ देख रहा हूँ यार उसके चैनल्स देख रहा हूँ रमज़ान में पूरी ट्रांसमिशन आती थी हम वो देखते थे और आप यूट्यूब बैन करके ये सब चीज़ें रोक रहे हो इवन यार ये सोचो डी का चैनल है उसके ऊपर कितने मिलियन सब्सक्राइबर और व्यूज़ होते हैं उनकी वीडियोज़ पर वो भी बैन कर दोगे क्या सोच रहे हो यार कुछ कुछ प्रोडक्टिव करो ये सब इन सब चीजों में ना अब जड़ो पबजी बैन फला बैन ये बैन वो बैन टिकटॉक बैन ना करो वो तुम्हारी भुप्पो का लगता है अदे यार तो चलो यार बस इतना ही गुस्सा करते हैं जो, जो उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट तक नहीं गवर्नमेंट का इसका क्या करना है यार ये या अब हाईकोर्ट और ये पीटीए वी का मसला है उनको ये बात पहुंचे कि भाई फॉरेन में बैठे हुए बंदों के लिए भी सोचो उनको इतना अजियतना दो कि उनके लिए यूट्यूब भी बंद कर दो फिर आप जो है बस पाकिस्तान को जो है ना वो ढूंढते रहो कि हाँ भाई क्या चल रहा है क्या हो रहा है वहां पे समझा करो बातों को ख्याल रखो अपना हमारा भी ख्याल रखो थोड़ा तो चलो दुआ करते हैं कि ये बैन सिस्टम खत्म हो ये बैन कल्चर खत्म हो तो भाई ये मैं कहता हूँ कि ट्रेंड चलाना चाहिए हमें कि ये अनबैन कल्चर बैन कल्चर को ख़त्म किया जाए सिंपली बैन कल्चर फिनिश्ड वी नीड नो बैन एट ऑल बैन करना है तो कोई ऐसी चीज़ बैन रहे हैं जो समझ आए जैसे YouTube पे जो कंटेंट है जो तुम्हें लगता है कि वाकई में यार ये नहीं होना चाहिए उसको बैन करो कुछ ऐसे एल्गोरिथम बनाओ पॉलिसीज़ बनाओ जिससे तुम्हें समझ आए व्यूअर्स का ख्याल रखो कि वो उनको चाहिए हर चीज चाहिए कोई चीज इस तरह से नहीं रोको एंटरटेनमेंट छीन लोगे यार से बख्श दो हर तरह का एंटरटेनमेंट छीन रहे हो चलो यार बस इतनी बात करता हूँ बस दुआ यही है कि ना हो बैन अपने लिए भी क्योंकि मैं यार मैं देखने वाला हूँ मेरा मुझे इससे मतलब नहीं कि मेरी वीडियोस को कोई देख के मुझे मैं मिलियन ट्रिलियंस कमा लो ऐसा भाई मैं नहीं सोचता मैं बस ये सोचता हूँ कि मैं लोगों के बारे में स्पेशली यार मैं बहुत सारी नॉलेज इकट्ठे करता हूँ रिलेटेड टू माई रिलीजन उसका सोल्यूशन वहीं से आता है चलो भाई ख्याल रखो होती है बात बाय बाय बायिज